कई सारी जद्दोजहद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है, जहां पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के चलते प्रचार के लिए जमानत पर जा सकते हैं, लेकिन ये जमानत अगले 21 दिन के लिए है, या फिर कहा जाए कि कल 10 मई शाम 6:55 पर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद 1 जून शाम तक अरविंद केजरीवाल को खुद ब खुद सरेंडर करना होगा। जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तानाशाहियों की सरकार है, देश के 140 करोड़ नागरिक इसका विरोध करें। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। लेकिन इस निर्णय के बाद सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि जिस प्रकार से कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, उसी प्रकार से कि क्या दूसरे राजनेताओं को भी कोर्ट से अंतरिम जमानत दी जाएगी। अब सवाल यहां पे उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की विशेष सुविधा केवल इसलिए दी गई है ताकि वह चुनाव प्रचार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्त लगाई है। शर्त कुछ इस प्रकार से है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे, जिस मामले में वे जेल में है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और गवाहों से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। उन्हें चुनाव प्रचार खत्म होते ही फिर से जेल में वापस लौटना होगा। अगर देखा जाए तो इसका सीधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर लगे आरोपों को गंभीर ले रहा है, जिसके चलते ही कोर्ट ने अपना ये निर्णय दिया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपनी अग्रिम जमानत पर जेल से बाहर निकलते हैं, वैसे ही अपने कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करते हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचकर अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं। आज सुबह दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी पत्नी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर उनका ये कहना है कि हम हनुमान जी से आशीर्वाद लेने आए हैं कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ सके। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से देश में अन्य राजनेता अलग अलग घोटाले और अलग अलग भ्रष्टाचारों के चलते जेल गए थे और वो जेल रिटर्न हुए हैं, उसी प्रकार से अब अरविंद केजरीवाल भी उनकी पैनल में शामिल हो चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है, वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर जेल से रिहा किया है कि क्या उसी तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लोकसभा चुनाव के चलते कोर्ट रहम बरतेगा, या फिर हेमंत सोरेन लंबे समय के लिए जेल के अंदर ही रहेंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।